वाहन और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और मैं नहा धोकर वो तैयार मतलब रेडी हो गई हूँ नहा धो लिया है मैंने पहले और काम मेरा मॉर्निंग का सारा सब कुछ मैंने ख़त्म कर लिया था और उसके बाद मैंने नहा लिया और अभी सुबह का टाइम है और मेरे दरवाजे पर ना देखिए कितनी तेज वाली धूप आ जाती है बिल्कुल सुबह है ना सात जब मैं दरवाज़े यहाँ के वैसे सुबह जल्दी नहीं खोलती हूँ क्योंकि इतनी तेज़ी धूप आ जाती है उठ जाती हूँ पर बंद रहने देती हूँ बहुत तेज़ धूप रहती है और अभी सुबह की जो धूप है ना आठ बजे से जो लगना स्टार्ट होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत दोपहर तो वाली धूप हो गई हो बहुत तेज वाली तो बस अभी वही टाइम हो रहा और मैं यहाँ पर ना अपने जो बाल है वही थोड़े से सवार रही हूँ क्योंकि गीले बालों में क्या है थोड़ी सी कंगी हो जाती है जब मैं बाल सुखा लेती हूँ ना तो बाल एकदम पता नहीं किस तरीके के हो जाते हैं मेरे तो फिर सूखे बाल में मैं, मैं कंगी करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे बाल ना तोड़ते हैं झड़ते हैं तो इसीलिए गीले वालों में ही थोड़ी थोड़ी सी कंगी मैं ऐसे फेर ले रही हूँ ताकि अब बाल ना टूटे और इस तरीके से ना सूख जाएंगे और फिर ज़्यादा वो नहीं होंगे तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया अब मैं जाऊँगी किचन में और फटाफट -पट से नाश्ता और खाना बनाने की तैयारी करूँगी नाश्ता और खाना मैं साथ के साथ बना लेती हूँ क्योंकि किसी का भी कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है मेरे घर में कि कौन नाश्ता करेगा कौन खाना खाएगा तो मतलब ऐसा कि नाश्ते के टाइम पे नाश्ता या खाने के टाइम पे खाना ऐसा होता ही नहीं है सब लोग है ना आ, अलग अलग टाइम पे मतलब खाना सब साथ में ही खाते हैं ऐसा वो नहीं रहता है पर तो ऐसा होता है कि खाना थोड़ी लेट खाना होता है कभी कभी हो जाता है तो आज मेरे हस्बैंड को और मैं नाश्ता तो करूँगी और कार्तिक को खाना खाना है तो फिर यहाँ पर मैं आ गई किचन में तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं रोटियाँ गर्म करके रख दे रही हूँ इतनी सारी रोटियाँ हो गई थी कल रात में भी ठीक से खाना नहीं खाए थे और लेट हो गए थे तो इस वजह से ना रोटियाँ बच गई हैं तो मैं आज रोटी नहीं बनाऊँगी तो ये रोटी हमारे अभी हाँ दोपहर के खाने में काम आ जाएंगी तो इसलिए मैंने देखिए रोटियां जो है वो गर्म करके और अच्छे से कपड़े में लपेट के रख दी है तो वो गर्म ही रहेंगे और सॉफ्ट भी हो गई हैं और यहाँ पर जो बर्तन मैंने धोए थे रात के थे तो वो मैंने यहाँ पर जमा दिए हैं थोड़े बहुत थे तो उनकी जगहों पर मैंने रख दिए हैं तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ता और साथ के साथ मैं यहाँ पर दाल भी जो है वो बनने के लिए चढ़ा दूंगी तो सुबह के टाइम में ऐसा होता है ना थोड़ा बहुत टाइम ना मैनेज करके चलना होता है बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है नाश्ता भी खाना भी और फिर मेरे पास दिन भर ना ये किचन में काम करने का टाइम मेरे पास नहीं रहता है तो मैं सोचती हूँ जिस टाइम मैं खाना बना रही होती नाश्ता उसी टाइम में मैं खाना भी बना लूँ तो दोनों काम ना एक साथ हो जाते हैं इससे टाइम की बहुत बचत हो जाती है तो अभी देखिए एक साइड में यहाँ पर ये नाश्ता बना रही हूँ और ये साबुदाने की मैं जो लिक्विड गीली वाली खिचड़ी होती है ना वो बना रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साबुदाना बना रही हूँ तो मतलब मेरा फास्ट होगा तो नहीं मेरा व्रत नहीं है तो व्रत मतलब आज व्रत नहीं है पर हम व्रत के अलावा भी इस तरीके की जो खिचड़ी होती है आ, इस तरीके की नहीं जैसे कि थोड़ा सा ये पानी में डालकर और गीली वाली एकदम जो खिचड़ी टाइप में होती है भैंसी में बना रही हूँ और यह बहुत अच्छी लगती है बहुत ही टेस्टी मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी वाली खिचड़ी तो ना अभी मैंने इसमें और आलू ना ज़्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ भूनने की पकाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब यह बॉयल होगी ना साबुदाने के साथ तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगी और यहाँ पर मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया है दाल उबल गई थी तो उसी वाले कुकर में मैंने चावल में चढ़ाऊँगी इसलिए मैंने दाल ना पकाकर और फिर दूसरे बर्तन में रख ली थी यहाँ पर दाल भी हो गई है और ये इसके लिए मैं जो खिचड़ी बना रही हूँ इसके लिए मैं टमाटर कट कर रही हूँ तो टमाटर ना मैं आ, मतलब है ना थोड़ा सा चेक करके ही आ, कट करती हूँ क्योंकि जो जरूरी नहीं कि जो चीज़ें सामने से अच्छी दिख रही हो मतलब ऊपर से तो वो अंदर से अच्छी हो कभी कभी होता है मैंने खुद देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि टमाटर इतना अच्छा और इतना मतलब साफ सुथरा और बहुत अच्छा ताज़ा देखने वाला टमाटर भी अंदर से ना खराब होता है कभी कभी खराब निकल जाता है तो ना इसलिए मैं उसको सूंघ कर और फिर उसके बाद कट कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल अलग ही समझ में आ जाती है तो यही यही काम मैं ना खाने में भी मैं करती हूँ ना मतलब जो भुना हुआ खुशबू सूंघने के मतलब वो करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे को वैसे ही समझ आता है मुझे कि जब मसाला भुनता है तो मैं उसको है ना मतलब स्मेल से पता चल जाता है मुझे कि हाँ कोई चीज़ अच्छे से भुन गई है या पक गई है तो मैं इस तरीके से करती हूँ तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर देखिए मैं ये जो है ना काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया जितना यहाँ पे कचरा जो गिर रहा था और मैंने अभी काटा था और अभी ये थोड़े से बर्तन और निकल गए चाय वाय के बर्तन थे और अभी जितने खाना ना बनाते जा रही थी ना वो बर्तन थे तो मैंने सोचा यहाँ पर ये यह खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ जो है वो पकती रहेगी तो यहाँ पर मैं जितने बर्तन हैं वो भी मैं धो दे रही हूँ तो साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा तो यहाँ और टमाटर ना इसमें मैं आ, मतलब ज़्यादा आधा कुक हो गई थी ये जो खिचड़ी है ना आधी कुक हो गई थी उसके बाद मैंने टमाटर डाला है क्योंकि उसी टाइम पे अगर टमाटर डाल देते तो ये पूरे गल जाते तो फिर वो उतना स्वाद नहीं आता जितना अभी आता है ऐसे करने से टमाटर फिफ्टी परसेंट पकाने से और उसके बाद ना स्वाद अच्छा आता है टमाटर अलग दिखते हैं और मूंगफली ऊपर से डालो तो बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखिए नाश्ता जो मेरा रेडी हो गया है मैं अभी ढक करके रख के आई हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई है चाय तो चाय अभी मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी रहा और ये काम भी करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि है ना अभी जब तक मैं सो यहाँ पर अपने जो काम है वो कर रही थी तो ये जब तक खींच खींच कर रख रहे हैं क्योंकि फिर जब बनाने पे आती हूँ ना मैं तो फटाफट से बनाना पड़ता है ना तो फिर जल्दी जल्दी इनको आटा देना होता है तो इसीलिए ये काम जो स्टार्ट कर दिए हैं और चाय हम लोगों ने पी ली है और उसके बाद ये देखिए खिचड़ी बन के तैयार हो गई है इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना बहुत ही मतलब हेल्दी नाश्ता है ये और बहुत लाइट हम दोनों को तो बहुत पसंद है पर हमारा करते नहीं खाता है ये ऐसी वाली खिचड़ी और वैसे साबुदाना और आलू की जो वो वाली खिचड़ी होती है ना सूखी वाली वो खा लेता है लेकिन ये वाली नहीं खाता है तो हम लोग खाएंगे ये खिचड़ी वाला नाश्ता कार्तिक को दूंगी मैं दाल चावल बन गया है दाल चावल भी तो वो मैं उसको दूंगी तो अभी हम लोग बस नाश्ता करेंगे थोड़ा सा काम कर लेंगे उसके बाद फिर दोपहर के टाइम में खाना खाएंगे। और बहुत ही अच्छी है लाइट है ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं है सारी चीज़ें मतलब एकदम नॉर्मली डली हुई है और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है ऐसा लग रहा है ना इसे कलर वाली जो मिर्चें होती हैं वो डाली हूँ मैंने पर वो नहीं डाली हूँ हरी वाली मिर्ची मैंने डाली है तो बहुत अच्छा ये टमाटर के कारण आया क्योंकि लाल वाले जो टमाटर थे ना तो उसके कारण इसका कलर बहुत अच्छा आया और ये जो सिवैयाँ हैं वो कल की बची हुई थी तो वो भी मैंने गरम कर ली है तो ये भी मैंने रख ली है तो ये भी खा लेंगे साथ के साथ तो ये रहा ये रहा हमारा आज का नाश्ता सुपर टेस्टी और हेल्दी और यहाँ पर मैं ये सिवैया जो है ना वो एक चम्मच कार्तिक को खिला रही थी तो वह पता नहीं क्यों वो नहीं खाता है ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता है सिवैया तो और भी नहीं पता नहीं क्यों बिल्कुल ही नहीं, नहीं खाता है खीरीर खा लेता है पर ये नहीं खाता है तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको दाल चावल जो है ना वो दे दिया है मिला करके तो वो दाल चावल खा रहा है और अभी हम लोग ये नाश्ता करेंगे तो बस मेरे हस्बैंड हाथ धो रहे हैं आ, क्योंकि हाथ तो वो हो गए थे ना गंदे तो वो हाथ धो रहे हैं फिर नाश्ता करेंगे और मैंने यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे सबर नहीं हो रहा था देख के इतनी टेस्टी और अच्छी लग रही थी तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय